नमस्कार साथियों, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो दोस्तों मूल कर्तव्य का होगा। और यहाँ से जो मूल कर्तव्य अपना पॉइंट है, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, आरएस में भी आ चुका है, आईएएस में भी आ चुका है और रीट स्पेशल में आपके मूल कर्तव्य दिए गए हैं। तो क्वेश्चन की प्रकृति यहाँ से बहुत अच्छी होने वाली है। देखिएगा अपना जो टॉपिक है मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य का जो प्रावधान है वो संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 के में दिया गया है। और ये मूल कर्तव्य लिए कहाँ से गए हैं दोस्तों? तो ये मूल कर्तव्य लिए गए हैं यूएसएसआर से, सोवियत संघ, रूस से लिए गए हैं। अब दोस्तों समझना, पहले पहला पॉइंट ये है कि मूल कर्तव्यों का प्रावधान, मूल संविधान में नहीं था। यह पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि जो मूल संविधान था अपना 26 जनवरी 1950 के दिन जो संविधान लागू हुआ था, उस समय हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था। मूल कर्तव्यों की जो सिफारिश की गई थी वो दोस्तों सरदार सवर्ण सिंह समिति के द्वारा की गई थी। और सरदार सवर्ण सिंह समिति ने कहा था कि भारतीय संविधान में 8 मूल कर्तव्य जोड़े जाने चाहिए। दोबारा सुन लो कि मूल कर्तव्य का प्रावधान मूल संविधान में नहीं था। इनकी सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा की गई थी और इस समिति ने कितने मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी? 8 मूल कर्तव्यों की क्या की थी? सिफारिश। इसके बाद दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। अब यह ध्यान रखिएगा कि सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। और इस समिति ने कितने मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी? 8 मूल कर्तव्यों की। फिर इसके बाद में इंदिरा सरकार के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 पारित किया गया और जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी उसकी जगह कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। अब यहां से अगर सीधा क्वेश्चन ये आ जाए कि मूल कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। प्रारंभ में या इस संविधान संशोधन के द्वारा कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। अब यदि मैं वर्तमान की बात करूं कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या है 11। और 11वां जो मूल कर्तव्य है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों 11वां मूल कर्तव्य शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा से। अर्थात इस 11वें मूल कर्तव्य में कहा गया है कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिलवाएं, अनिवार्य शिक्षा
दिलवाए। ये था अपना ग्यारहवा मूल कर्तव्य। अब दोस्तों एक क्वेश्चन यहां से भी बहुत अच्छा बनता है कि ग्यारहवा मूल कर्तव्य जो वर्तमान में जोड़ा गया है ये कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, ग्यारहवा मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। ये तो थी अपनी मोटी मोटी जानकारी एक मूल कर्तव्यों के लिए। दोबारा सुन लो, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि मूल कर्तव्य है वो संविधान के भाग 4 कै में है, अनुच्छेद 51 कै में है, और कहां से लिए गए हैं? सोवियत संघ रूस से लिए गए। पहला पॉइंट यहां पे आ रहा था कि मूल कर्तव्यों का प्रावधान मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान का मतलब है 26 जनवरी 1950 के दिन जो हमारा संविधान लागू हुआ था उसमें मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। दूसरा पॉइंट, फिर मूल कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। अगली बात कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी? तो दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी। इसके बाद में अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है कि मूल कर्तव्य जो भारतीय संविधान में जोड़े गए ये कौन से संविधान संशोधन से जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। नेक्स्ट, इस संविधान संशोधन के द्वारा कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए श्रीमान जी 10। याद रखिएगा 8 किस समिति ने? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कहा था, लेकिन जोड़े कितने गए? 10 जोड़े गए। इसके बाद में अब यह क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11। 11वां मूल कर्तव्य किससे संबंधित है? तो 11वां मूल कर्तव्य दोस्तों शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा का मतलब है कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिलवाए। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है कि 11वां मूल कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। क्लियर दोस्तों? अब जो अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है कि यह तो आपकी मूल कर्तव्यों की थी सामान्य से जानकारी, लेकिन वर्तमान में जो 11 मूल कर्तव्य हैं और 11 मूल कर्तव्य दोस्तों कौन कौन से हैं? यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है और दोस्तों आरएस में बैक टू बैक 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, और ये इस प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आप तभी दे पाओगे जब आपके मूल कर्तव्य याद होंगे 11 के 11 मूल कर्तव्य। तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य, मैं दोस्तों एक बार समझा रहा हूं आपको कि 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो पहली बात तो आपके 11 मूल कर्तव्य ये हैं दोस्तों, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के, यानी के तक वाली एबीसीडी याद होनी चाहिए आपको। यहां तक का यदि आपको याद है तो दोस्तों बहुत आसान है 11 मूल कर्तव्यों को याद करना। अब मैं पहले मूल कर्तव्य की बात कर रहा हूं, ए। ए का मतलब है दोस्तों एंथम। एप्पल याद नहीं करना है कि ए फॉर एप्पल याद कर लो आप, ए फॉर एंथम। और एंथम का मतलब होता है दोस्तों राष्ट्रगान। यानी ये जो पहला मूल कर्तव्य है इसमें एक आपको थोड़ा सा अनुमान लग गया कि इस मूल कर्तव्य में किसकी बात हुई है, राष्ट्रगान की बात हुई है। सुनना अब कि इस मूल कर्तव्य में लिखा क्या गया है। इसमें लिखा गया है दोस्तों संविधान का पालन करें तथा राष्ट्रगान एवं राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें। यह है दोस्तों आपका पहला मूल कर्तव्य।
और इसी पहले मूल कर्तव्य से जो आरएस में क्वेश्चन पूछा गया था वो देखेगा कि वो क्वेश्चन किस प्रकार से था। और क्वेश्चन में ये था कि संविधान के प्रथम मूल कर्तव्य में किसका उल्लेख नहीं है, किसका उल्लेख नहीं है, जो क्वेश्चन आया था आपका कि संविधान के प्रथम मूल कर्तव्य में किसका उल्लेख नहीं है, और उसमें ऑप्शन थे ए संविधान, बी राष्ट्रगान, सी राष्ट्रगीत और डी राष्ट्र ध्वज। इस प्रकार से क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि संविधान के प्रथम मूल कर्तव्य में किसका उल्लेख नहीं है, ए संविधान, बी राष्ट्रगान, सी राष्ट्रगीत और डी राष्ट्र ध्वज। अब दोस्तों अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसी सूरत में सही कर सकते हैं जब आपको पहला मूल कर्तव्य मोटा मोटा याद होगा। और इसमें क्या है पहले मूल कर्तव्य में कि संविधान का पालन करें तथा राष्ट्रगान एवं राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें। इसका मतलब देखिएगा, संविधान का पालन करें इसका मतलब संविधान का उल्लेख हो रहा है ए में, बी में है राष्ट्रगान, तो राष्ट्रगान आ रहा है कि नहीं आ रहा आपके सामने, राष्ट्रगान भी आ रहा है। इसके बाद इसमें क्या आ रहा है राष्ट्र ध्वज, तो आपका राष्ट्र ध्वज भी आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें कौन शामिल नहीं है, सी राइट आंसर होगा कि प्रथम मूल कर्तव्य में राष्ट्रगीत शामिल नहीं है। दोस्तों ये था आपका पहला मूल कर्तव्य। ऐसे याद करेंगे एंथम, और एंथम का मतलब क्या है, एंथम का मतलब है दोस्तों राष्ट्रगान, और फिर याद करेंगे संविधान का पालन करें तथा राष्ट्रगान एवं राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें। अब मैं दूसरे मूल कर्तव्य की बात कर रहा हूं, दूसरा था बी, क्योंकि मैंने के तक आपके अल्फाबेट लिखी थी, और अभी दूसरा जो मूल कर्तव्य वो बी से जुड़ा हुआ है। बी का मतलब है दोस्तों भगत सिंह, बी फोर बुक नहीं, ये तैयार करोगे बी फोर भगत सिंह। अब भगत सिंह कौन थे पहले तो ये माइंड लगाओ। भगत सिंह दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह कौन थे, स्वतंत्रता सेनानी। इसका मतलब यह है कि जो दूसरा मूल कर्तव्य है इसमें स्वतंत्रता के बारे में बातचीत हो रही है, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बातचीत हो रही है। अब सुनना लिखा क्या गया है, इसमें लिखा गया है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले या बढ़ावा देने वाले विचारों को हृदय में संजोए रखें। दोस्तों बहुत अच्छा शानदार स्टेटमेंट बी जो आपका मूल कर्तव्य है कि बी फोर का मतलब है भगत सिंह, और भगत सिंह का मतलब है स्वतंत्रता सेनानी। इसका मतलब आपकी टोटल बात फ्रीडम फाइटर पे चल रही है। तो इसमें लिखा क्या है देखो, स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन किया गया था उस राष्ट्रीय आंदोलन के जो विचार हैं उनको हमेशा हृदय में संजोए रखें, उन वीरों की कहानियों को पढ़ते रहें जिन वीरों ने हंसते हंसते अपने प्राण देश के लिए न्योछावर कर दिए। दोस्तों तो इतना तो अपना मूल कर्तव्य बनता है कि इन वीरों का हमेशा सम्मान होना चाहिए, और एक भारतीय नागरिक के नाते सबसे बड़ा मूल कर्तव्य मैं जो मानता हूं वो दोस्तों ये बी है, क्योंकि लोगों ने छोटी छोटी उम्र में अपनी जवानियां न्योछावर कर दी देश के लिए, और आज जो अपन इस खुले वातावरण में जी रहे हैं ये दोस्तों भगत सिंह सुखदेव जैसे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे, जिसके कारण आज हम ऐसी स्वतंत्रता का एंजॉय कर रहे हैं। यह है दोस्तों पहला मूल कर्तव्य ए, और दूसरा मूल कर्तव्य होगा बी वाला भगत सिंह वाला।
क्लियर दोस्तों, देख लो आराम से, दोबारा रिपीट कर देता हूं, मेरे साथ साथ याद कर लो आप। तो ए फोर एंथम, एंथम मीन्स राष्ट्रगान, इसका मतलब यहां राष्ट्रगान से संबंधित बातचीत हो रही है, और यहां पे सीधा याद करो आप, आपको ये क का की कू ये याद नहीं करना है, सीधा याद कर लो संविधान का पालन, राष्ट्रगान एवं राष्ट्र ध्वज का सम्मान, तीन चीज याद कर लो इसमें। दूसरा बी, बी फोर भगत सिंह, भगत सिंह का मतलब स्वतंत्रता सेनानी, इसका मतलब आपके माइंड में ये तो आ रहा है कि जो दूसरा मूल कर्तव्य है इसमें कुछ स्वतंत्रता से संबंधित बातचीत हो रही है, तो सीधा याद रखो स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में जो विचार आए हैं, जिन प्रेरित किया है, जिन विचारों को, उन विचारों को हमेशा हृदय में बनाए रखे, संजोए रखे, उनका मान सम्मान करें। क्लियर दोस्तों? अब मैं तीसरे मूल कर्तव्य की बात कर रहा हूं, और तीसरा मूल कर्तव्य आपका सी। सी का अर्थ निकलेगा दोस्तों कन्फर्म सार्जेंट्री, और कन्फर्म सार्जेंट्री का मतलब है, देखो इधर, कन्फर्म का मतलब है निश्चित, और सार्जेंट्री का मतलब होता है संप्रभुता। यानी दोस्तों जो ये तीसरा मूल कर्तव्य है इसमें संप्रभुता की बातचीत हो रही है। किसकी बातचीत हो रही है? संप्रभुता की। तो इतना तो आपके माइंड में आ गया कि भाई संप्रभुता संबंधी इसमें प्रावधान आ रहे हैं। अब लिखा क्या है तीसरे मूल कर्तव्य में? यह लिखा है दोस्तों कि राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता को बनाए रखे। आपको ये तीन वर्ड याद रखने हैं, राष्ट्र की एकता को, अखंडता को और संप्रभुता को बनाए रखें। दोस्तों ये हमारा मूल कर्तव्य है कि हमारा ये नैतिक दायित्व बनता है कि राष्ट्र के प्रति राष्ट्र की एकता को बनाए रखें, उसकी अखंडता को बनाए रखें और उसकी संप्रभुता को बनाए रखें। हमें ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए जिससे कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को क्या पहुंचे? नुकसान पहुंचे। क्योंकि दोस्तों परिवार से बड़ा, या मैं कहूं कि जीवन में सबसे बड़ी चीज होती है राष्ट्र, देश नहीं, राष्ट्र। देश में अंतर, देश अलग चीज होता है और राष्ट्र अलग चीज होती है। वो मैं नेक्स्ट आपका फंडामेंटल ड्यूटीज में बताऊंगा कि राष्ट्र और देश में अंतर क्या होता है। तो हमेशा राष्ट्र के प्रति तैयार रहे, समर्पण की भावना से तैयार रहे। तो सी में क्या है? राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता को बनाए रखे। फिर आपका चौथा जो आ रहा है मूल कर्तव्य वो है दोस्तों डी, और डी में है दोस्तों डिफेंस। डी से क्या निकलेगा? डिफेंस, और डिफेंस का मतलब होता है रक्षा करना। यानी यहां से कुछ रक्षा से संबंधित मामले आ रहे हैं। तो क्या है अब डी के अंदर? इसमें लिखा है कि देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें तथा राष्ट्र की सेवा करें। दोस्तों आराम से समझिएगा, पहले तो आपकी डायरेक्ट याद होना चाहिए कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह मूल कर्तव्य है कि वो देश की तो क्या करे? रक्षा। या अलग अलग वर्ड आ रहे हैं दोस्तों, देश की रक्षा होनी चाहिए और राष्ट्र की सेवा होनी चाहिए। अब दोस्तों अभी मैं जो पिछले मूल कर्तव्य में बात कर रहा था कि दोस्तों देश और राष्ट्र में अंतर होता है। देश एक संकुचित भावना है जबकि राष्ट्र एक बहुत बड़ी विचारधारा है दोस्तों। अब देश और राष्ट्र में अंतर क्या होता है यह सुनना। देश कब होता है? जब किसी निश्चित क्षेत्र में जो लोग निवास कर रहे हैं और उनमें धर्म, वंश, जाति की भावना हो, वो सिर्फ कानूनी एकता में बंधे हुए हैं सरकार के डर से, लेकिन उसमें धर्म, वंश, जाति की भावना होती है, उस समय तो होता है वो देश। लेकिन जब उसी क्षेत्र के लोग मनोवैज्ञानिक भावना के अंदर आकर के धर्म, वंश, जाति की भावना से ऊपर उठ करके जब वो एक क्षेत्र में बंध जाते हैं, उस समय दोस्तों देश देश नहीं होता है, वो किस में बदल जाता है?
राष्ट्र में बदल जाता है। जैसे मैं बात करूं कि जब वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा था भारत और न्यूजीलैंड के बीच, तो दोस्तों अब आप बताओ उस समय हमारा जो भारत था वो देश था या राष्ट्र? उस समय दोस्तों हमारा भारत देश नहीं था, किसमें बदल रहा था वो? राष्ट्र में। क्यों? क्योंकि उस समय हर आदमी की तरफ से एक ही इच्छा हो रही थी, इंडिया इंडिया, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी वंश का हो, किसी भी जाति का हो, सारे उस भावना से ऊपर उठ करके और वो सिर्फ मनोवैज्ञानिक एकता में आ गए थे। या मैं कहूं 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन हमारा देश देश नहीं होता है, किसमें बदल जाता है? राष्ट्र में बदल जाता है दोस्तों। जैसे पुलवामा अटैक जिस दिन हुआ था उस दिन भी यही भावना थी लोगों के बीच में कि लोग जगह जगह स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान कर रहे थे, शहीदों को याद कर रहे थे, कैंडल जलाई जा रही थी। और दोस्तों वो जो भावात्मक माहौल था वो दोस्तों राष्ट्र का निर्माण करता है। तो ये मूल कर्तव्य में क्या कहा गया है कि देश की तो हमेशा रक्षा होनी चाहिए लेकिन राष्ट्र की हमेशा क्या होनी चाहिए दोस्तों? सेवा। क्योंकि राष्ट्र माँ होती है, एक अपनी जननी माँ है और उससे भी बड़ी माँ कौन सा है? राष्ट्र। और राष्ट्र की हमेशा क्या होनी चाहिए? सेवा। यह है दोस्तों आपका चौथा मूल कर्तव्य। इसके बाद में मैं पांचवें मूल कर्तव्य की बात करूं। पांचवा जो मूल कर्तव्य है, देख लो एक बार ढंग से, दोबारा रिपीट कर देता हूं। सी। सी से क्या होगा? कन्फर्म सार्जेंट्री। कन्फर्म सार्जेंट्री का मतलब होता है निश्चित संप्रभुता। और यहां पर आप तीन वर्ड याद रखोगे कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता को बनाए रखे। फिर चौथा है आपका डी, और डी का मतलब क्या है? डिफेंस। डिफेंस से क्या अर्थ निकलेगा? रक्षा करना। और रक्षा किसकी? राष्ट्र की या देश की? तो दोस्तों देश की रक्षा करना और राष्ट्र की क्या करनी चाहिए? सेवा। एक बार एक क्वेश्चन बता देता हूं जो क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया था आपका, और क्वेश्चन ये था, मूल कर्तव्य के बारे में असत्य कथन को अलग कीजिए। और इसमें दोस्तों कर्म से पूछा गया था कि मूल कर्तव्य जो आप कर्म याद कर रहे हो 11 के 11 मूल कर्तव्य, इनका कर्म ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और लिखा क्या था? पहला था, प्रथम मूल कर्तव्य में राष्ट्र गीत का उल्लेख है। नंबर दो, मूल कर्तव्य में राष्ट्र की रक्षा एवं देश की सेवा करने का उल्लेख है। तीसरा, राष्ट्र की एकता एवं बंधुता का उल्लेख हुआ है। और चौथा, मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़े गए। मैं दोस्तों वही क्वेश्चन बता रहा हूं जहां से मूल कर्तव्य आते हैं। ये नॉर्मली बातें सबको आती हैं कि मूल संविधान में नहीं थे इस प्रकार से, लेकिन यहां के जो क्वेश्चन है, अब जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो टोटल दोस्तों एनालिटिकल है। सुनना एक मिनट। मूल कर्तव्य के बारे में असत्य कथन को अलग कीजिए। अगर मूल कर्तव्य हूबहू याद है आपके तो डेफिनेट है आप ऐसे क्वेश्चनों का जवाब डेफिनेट दे के आओगे। आप सुनना, पहला है, प्रथम मूल कर्तव्य में राष्ट्र गीत का उल्लेख है। अब यह आ गया सब प्रथम मूल कर्तव्य। अब प्रथम मूल कर्तव्य आपके याद होना चाहिए कि प्रथम मूल कर्तव्य में था संविधान का पालन करें, राष्ट्रगान एवं राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें। राष्ट्रगान था और राष्ट्र ध्वज था। क्या वहां पर राष्ट्र गीत का उल्लेख था? नहीं। तो इसका मतलब यह क्या हो गया? असत्य कथन हो गया।
दूसरा था मूल कर्तव्य में राष्ट्र की रक्षा एवं देश की सेवा करने का उल्लेख है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को अपन बहुत जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। आप सिर्फ इतना देखते हो कि यार सेवा रक्षा करना आ रहा था, लेकिन पढ़ना यहां से गुमा क्या रहा है। मूल कर्तव्य में राष्ट्र की रक्षा, सही या गलत है दोस्तों? पढ़ लिया आपने, आप कहोगे सर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि राष्ट्र की सेवा है दोस्तों, राष्ट्र की तो क्या है, सेवा, और देश की क्या है, रक्षा। इसलिए उल्टा कर दिया दोस्तों इसको, अपोजिट एक दूसरे के। तो इसका मतलब ये दूसरा भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा, मूल कर्तव्य में राष्ट्र की एकता एवं बंधुता का उल्लेख है, एकता एवं बंधुता का उल्लेख है। बिल्कुल राइट बात है दोस्तों, एकता का भी उल्लेख है, अखंडता का भी उल्लेख है, संप्रभुता का भी उल्लेख है। एक और आएगा आपका मूल कर्तव्य जिसमें ब्रदरहुड की बात की गई है, बंधुता की भी बात की गई है। तो बात सही है, तो इसका मतलब ये आपका क्या है, राइट हो गया। इसके बाद में मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़े गए। अब ये जो लास्ट वाला है बिल्कुल ईजी है, लेकिन अपने माइंड में क्या आता है, पूरा क्वेश्चन न पढ़ते हुए अपने माइंड में यह आता है मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, जबकि इसने क्या क्या कह रहा है यहां पे, यह शब्द अपन कभी नहीं देखते हैं, एक छोटा सा शब्द और लिखा है, नहीं जोड़े गए। नहीं का मतलब सत्य है या असत्य है, इसका मतलब यह असत्य है। तो दोस्तों 1, 2, 4 असत्य है इसमें, और तीसरा ऑप्शन आपका क्या है, इसमें सही है। इस प्रकार से दोस्तों एनालिटिकल क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं मूल कर्तव्यों से, और रीट में स्पेशल पॉइंट दिया है मूल कर्तव्य का। तो दोस्तों ये जरूर ध्यान रखना, क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाएंगे। क्लियर दोस्तों? अब मैं अगले मूल कर्तव्य की बात करता हूं, और अगला था आपका ई से, और ई का मतलब है इक्वल ब्रदरहुड। और इक्वल ब्रदरहुड का मतलब क्या है, इक्वल यानी समान, और ब्रदरहुड यानी भाईचारा। तो इसका मतलब है यहां पे समान भाईचारा कह दो या बंधुता कह दो, बात एक ही है। तो इसका मतलब इस जो मूल कर्तव्य में भाईचारे से संबंधित बात हो रही है, भ्रातृत्व की भावना की बात हो रही है, बंधुता की बात हो रही है। तो लिखा क्या गया है सुनना, राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक समरसता और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करेंगे जो धर्म, प्रदेश, भाषा एवं वर्ग की भावना से दूर होगी एवं ऐसी प्रथाओं को त्यागें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। सुनना दोस्तों इसमें लिखा क्या है, पहली बात तो आप इसे लगाओगे इक्वल ब्रदरहुड यानी समान भाईचारा, अर्थात इस मूल कर्तव्य में समान भाईचारे की भावना का उल्लेख हो रहा है। अब पूरा क्या लिखा है कि राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक समरसता एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करेंगे, कि राष्ट्र के जो प्रत्येक नागरिक हैं उनमें भाईचारे की भावना होनी चाहिए। और भाईचारा कैसा होना चाहिए सुनना दोस्तों, यहां पे बहुत अच्छा इंडिकेट किया गया है संविधान के द्वारा कि जो भाईचारा होगा वो धर्म, प्रदेश, भाषा और वर्ग। दोस्तों ये चार पॉइंट जो आपके सामने आ रहे हैं ये याद होने चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहां से।
कि भ्रातृत्व की भावना धर्म, प्रदेश, भाषा और वर्ग की भावना से दूर होनी चाहिए। भाईचारे का मतलब है दोस्तों प्रेम, और प्रेम न जाने जात को जात, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मीरा जी, बहुत बड़ा नाम है भक्त मीरा का, जिन्होंने महलों को त्याग करके और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया। प्रेम का मतलब भ्रातृत्व की भावना, और भ्रातृत्व की भावना संविधान ये कह रहा है कि उसमें ये लगाव नहीं होने चाहिए कि वो किस धर्म का है, किस प्रदेश का है, किस भाषा का है, यानी कौन सी भाषा बोलता है और उसकी क्लास क्या है। दोस्तों प्रेम सिर्फ किया जाता है, उसमें वहां पे भावनाएं नहीं होनी चाहिए, और अगर ये भावनाएं हैं तो संविधान कहता है फिर वो भ्रातृत्व की भावना नहीं है, वो तो एक लालची भरा मामला आ गया, लालच वाला। तो ये है दोस्तों धर्म, प्रदेश, भाषा, वर्ग की भावना से दूर होना चाहिए। अगला पॉइंट और कह रहा है, संविधान कह रहा है ऐसी प्रथाओं को त्यागें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। दोस्तों जो प्रथाएं, रीति रिवाज जो बहुत पुराने प्राचीन समय से चल रहे हैं और स्त्रियों के विरुद्ध जो भी रीति रिवाज हैं, उनको हमेशा, जो बुरी आदतें हैं, रीति रिवाज हैं, उन्हें त्यागना चाहिए दोस्तों, क्योंकि स्त्रियां सिर्फ पूजनीय होती हैं दोस्तों। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को बढ़ावा देना चाहिए, और जितनी भी प्रथाएं समाज में, कुप्रथाएं स्त्रियों के खिलाफ चल रही हैं, जैसे कोई भी हो, घूंघट प्रथा है या सती प्रथा थी, सती प्रथा पे सरकार ने रोक भी लगा दी है, घूंघट प्रथा भी रोक लग चुकी है या लगाई जा रही है, मांग उठाई जा रही है। आजकल महिलाएं बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही हैं दोस्तों, ये तभी बढ़ पाएंगी, तभी हमारे समाज का विकास हो सकता है जब अपन इन पुरानी कुरीतियों को त्यागेंगे और स्त्रियों को आगे बढ़ने का मौका देंगे। ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, मेरी तरफ से ये प्रवचन नहीं आ रहे हैं, ये प्रवचन यहां से आ रहे हैं दोस्तों, इक्वल ब्रदरहुड, समान भाईचारे की भावना से। ये मूल कर्तव्य में लिखा हुआ है ऐसा कैसा। तो इस मूल कर्तव्य में सीधा सीधा क्या क्या याद करोगे? एक तो ये कि समान भाईचारे यानी समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करेंगे। दूसरा पॉइंट, कितने पॉइंट बताए हैं कि वो किससे दूर दूर होनी चाहिए या किसकी भावना पर आधारित नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये याद रखना है, धर्म, प्रदेश, भाषा और वर्ग, चार आधार हैं जहां पे ब्रदरहुड की भावना इससे दूर होनी चाहिए, इस पर आधारित नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या था मैं जस्ट अभी समझाऊंगा, और इसके बाद यह है कि ऐसी प्रथाओं को त्यागे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। दोस्तों अब यहां से इस मूल कर्तव्य से जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन समझा रहा हूं। क्वेश्चन क्या था? मूल कर्तव्य में उल्लेखित समान भ्रातृत्व की भावना को कितने आधार पर दूर रखा गया है, यानी उस पे आधारित नहीं होनी चाहिए। ए धर्म, बी जाति, सी वर्ग, डी लिंग। इस प्रकार से था क्वेश्चन, क्योंकि मामला आ रहा था मूल कर्तव्य और यहां पे आ रहा है समान भ्रातृत्व की भावना। अब जब तक ये मूल कर्तव्य आपके हूबहू याद नहीं होगा तब तक आप राइट आंसर नहीं दे सकते इसमें से। अब इसमें वो देखना है जो चार आधार दिए थे आपको, चार आधार कौन से थे, अगर वो आधार याद है तो ये क्वेश्चन भी आपका सही हो जाएगा दोस्तों, और यदि वो आधार याद नहीं है क्वेश्चन गलत। आधार कौन कौन से थे? धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग।
धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग, एक धर्म आ गया और एक कौन सा आ गया, वर्ग। यहां पे क्या आ रहा है दोस्तों, जाति और लिंग, यानी ये दो इसमें शामिल हैं और ये दो इसमें शामिल नहीं है। तो अब चाहे शामिल हो वाला पूछे और चाहे शामिल नहीं हो वाला पूछे, ये उसी कंडीशन में सही कर पाओगे जब आपको कंप्लीट मूल कर्तव्य याद होंगे। तो क्लियर दोस्तों, ई वाला। अब मैं बात करूं नेक्स्ट मूल कर्तव्य की, नेक्स्ट मूल कर्तव्य है एफ। एफ का मतलब है दोस्तों फोर्ट, और फोर्ट का मतलब होता है किला, और किला किसको प्रदर्शित करता है, यहां पे ये ध्यान रखना है, यहां पे आपको अर्थ लेना है संस्कृति से, क्योंकि जो हवेली हैं, इमारतें हैं, किला है, ये हमारी भारतीय संस्कृति को दर्शाते हैं दोस्तों। और इसमें लिखा क्या है, इसमें लिखा है कि हमारी सामाजिक गौरवशाली संस्कृति को बनाए रखें। पहले आपको शॉर्ट याद करना है कि एफ, एफ का मतलब फोर्ट, फोर्ट का मतलब किला, और किला से किसका अर्थ निकलेगा, संस्कृति का, कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है और भारतीय संस्कृति की जो गौरवशाली परंपराएं हैं हमारे कल्चर की, इंडियन कल्चर की, उनकी परंपराओं को बनाए रखें आप। और दोस्तों अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं तो इंडियन कल्चर इज आउटस्टैंडिंग, द बेस्ट कल्चर, क्योंकि भारतीय संस्कृति है वो हमें वो बातें सिखाती है, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना, महिलाओं का सम्मान करना, सहयोग की भावनाओं को बढ़ावा देना, ये हमारी सांस्कृतिक मूल्य हैं दोस्तों। और संविधान का मूल कर्तव्य ये कहता है कि हमारी संस्कृति जो है, कल्चर जो है, इस कल्चर का हमेशा सम्मान होना चाहिए। और राजस्थानी संस्कृति की तो बात ही निराली है दोस्तों, राजस्थान की जो संस्कृति है उसकी तो कहानियां ही अलग हैं, राणा हमीर, राणा हमीर जो रणथंभौर के शासक थे, और उसके बारे में राणा प्रताप कि मैं भूखा प्यासा मर सकता हूं लेकिन मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा दोस्तों, चेतक प्यासा मर सकता है लेकिन मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा, ऐसी संस्कृति थी दोस्तों। तो यही कह रहा है दोस्तों कि हमारी संस्कृति को आप बनाए रखें, ये कौन सा है, एफ। इसके बाद में नेक्स्ट है जी, और जी का मतलब है दोस्तों ग्रीन, ग्रीन का मतलब होता है हरा, और हरा क्या होता है दोस्तों, हरा होता है दोस्तों पर्यावरण। इसका मतलब इस मूल कर्तव्य में पर्यावरण की बात की गई है, किसकी बात की गई है, पर्यावरण की। लिखा क्या गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें नदी, झील, तालाब, वन्य जीव हैं उसकी रक्षा करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें, प्राणी मात्र के प्रति क्या रखें, दया का भाव। सुनना दोबारा से, जी का मतलब ग्रीन, और ग्रीन का मतलब क्या हो रहा है, हरा, और हरा क्या होता है दोस्तों, पर्यावरण। तो एक तो सीधा सा याद होना चाहिए कि इस मूल कर्तव्य में पर्यावरण से संबंधित बातें हो रही, तो चाहे सीधा याद रख लो, मैं फिर कह रहा हूं कह का की याद नहीं करना, डायरेक्ट शब्दों को पकड़िए, पर्यावरण की रक्षा करें। बार बार सरकार भी कह रही, अपन भी जानते हैं कि पर्यावरण की जब तक रक्षा नहीं होगी तब तक अपना अस्तित्व कायम नहीं रह सकता,
प्रकृति का हमेशा सम्मान करें। अभी देख लो कोरोना वायरस, ये प्रकृति के साथ दोस्तों खिलवाड़ है, और जब जब ऐसा होगा प्रकृति अपना बैलेंस जरूर रखती है दोस्तों, तो हमेशा पर्यावरण की रक्षा करें। और पर्यावरण में आप जानते हो क्या है, नदी है, झील है, तालाब है और वन्य जीव है, ये सभी पर्यावरण में शामिल है, इनकी आप रक्षा करें। और संविधान का मूल कर्तव्य इसके साथ साथ इसमें सेकंड बात और कह रहा है दोस्तों, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। बहुत जबरदस्त कंटेंट दोस्तों, समझने वाले के लिए तो बहुत कुछ है इसमें, और ना समझे तो दोस्तों कुछ भी नहीं है। प्राणी मात्र के प्रति संविधान यह कहता है कि हमें मानवता का गुण होना चाहिए, ह्यूमैनिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए व्यक्ति में। और आजकल जो वर्तमान ट्रेंड चल रहा है, बहुत कम लोगों में प्राणी मात्र की भावना की मिल पाती है, क्योंकि लोग व्यक्ति की इज्जत न करके कुत्ते की इज्जत करते हैं आजकल लोग, कुत्ता पालने के शौकीन है। दोस्तों प्राणी मात्र के प्रति, जिसमें कुत्ता भी आ गया, व्यक्ति भी आ गया, एक्स वाई जेड, आप सभी को समान आदर के रूप में देखिए। यह है आपका जी, क्लियर दोस्तों? ए बी सी डी ई एफ और जी। अब मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट मूल कर्तव्य की, जी के बाद में है दोस्तों एच, और एच का मतलब है ह्यूमन साइंटिफिक, ह्यूमन साइंटिफिक। ह्यूमन का मतलब है मानवीय, और साइंटिफिक का मतलब है वैज्ञानिक। अब इसमें जैसे अपना अर्थ देख रहे हैं, ह्यूमन साइंटिफिक का मतलब है मानवीय वैज्ञानिक। यह मूल कर्तव्य कहता है कि प्रत्येक नागरिक को वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए, मानवाद की भावना रखनी चाहिए, सुधार की भावना रखनी चाहिए। क्या कह रहा है? मानवीय वैज्ञानिक, मानववाद एवं सुधार की भावना रखें। किस किस की भावना रखें? एक तो आपका जो दृष्टिकोण है वो मानवीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, मानवता के प्रति होना चाहिए, और एक हमेशा सुधार की भावना रखनी चाहिए, इंप्रूवमेंट वाली। आजकल समाज में क्या है, सुधार की भावना देखने को बहुत कम मिल रही है, लोग अपने आप तक ही सीमित हो गए हैं। दोस्तों संविधान का यह मूल कर्तव्य कहता है कि हमेशा आदमी को सुधारवादी होना चाहिए, जो भी समाज में कुछ भी समस्याएं आ रही हैं उनको हल करते हुए सभी को एकजुट होकर के उन समस्याओं का हल करना चाहिए। यह मैं नहीं कह रहा, यह मूल कर्तव्य कह रहा है, यह जो आपका है ह्यूमन साइंटिफिक, मानवीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कि प्रत्येक आदमी का दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक होना चाहिए, मानववाद वाला होना चाहिए, एवं सुधार की भावना का विकास करें, हमेशा इंप्रूवमेंट वाला देखें। आजकल मैं कई बार देखता हूं कि लोग, जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, लोग सेल्फी बनाने में जुट रहे हैं ऐसे, यानी आप में मानवता वाला भावना ही खो गई है दोस्तों वर्तमान में। हमेशा मानवीय वैज्ञानिक, वैज्ञानिक का मतलब है आपकी सोच है वो राष्ट्र निर्माण के लिए होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति सोचे, राष्ट्र के प्रति जिए, और जो ट्रेड है वो फ्यूचर के लिए। वैज्ञानिक आपका हमेशा ऐसी ऐसी चीजों का अवेयरनेस करें जो परिवार के लिए उपयोगी हो, समाज के लिए उपयोगी हो, राष्ट्र के लिए उपयोगी हो। क्लियर दोस्तों? इस मूल कर्तव्य में यह कहा गया है। सिर्फ तीन बातें याद रखनी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, मानववाद वाला दृष्टिकोण होना चाहिए, और सुधार की भावना का निर्माण होना चाहिए, सुधार की भावना रखें हमेशा।
इसके बाद में नेक्स्ट है आपका मूल कर्तव्य आई, और आई का अर्थ है दोस्तों इनकम, और इनकम का मतलब होता है आय से नहीं लेंगे आप, यहां पे आप देखेंगे संपत्ति, आय संपत्ति बात एक ही है, लेकिन आय का अर्थ न लेकर के संपत्ति की बात करेंगे। आई, आई का मतलब इनकम, इनकम का मतलब संपत्ति। अब संपत्ति दो होती है, एक निजी संपत्ति होती है, एक सार्वजनिक संपत्ति होती है, राष्ट्रीय संपत्ति होती है। तो यहां पर निजी संपत्ति की बात नहीं की गई है, निजी का मतलब खुद वाली संपत्ति की बात नहीं की गई है, यहां पे बातचीत की गई है सार्वजनिक संपत्ति कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। जो राष्ट्रीय संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसकी आप क्या करें, रक्षा करें, और हिंसा से दूर रहे। किससे दूर रहे? हिंसा से। दोस्तों कई बार न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है, दो चार महीने में घटनाक्रम तो आ ही जाता है कि असामाजिक तत्वों ने विद्यालय में तोड़फोड़ की, असामाजिक तत्वों ने बस को आग लगा दी, रोडवेज बस को। दोस्तों ये रोडवेज बस क्या है, विद्यालय क्या है, ये अपनी तो है दोस्तों, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, राष्ट्रीय संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है, अपनी पैसों की है दोस्तों। जीएसटी आप दे रहे हैं, सभी दे रहे हैं अपन जीएसटी, ये जीएसटी कहां जा रही है, ये राष्ट्र निर्माण में तो जा रही है। तो दोस्तों इस संपत्ति की, सार्वजनिक संपत्ति की हमेशा रक्षा होनी चाहिए, ऐसी गतिविधियों में हमें भाग नहीं लेना चाहिए। और दोस्तों हिंसा से दूर रहें, हिंसा का मतलब वही है लड़ाई झगड़ा वाला, सिर्फ प्रेम से रहें, लाइफ इज टू शॉर्ट। और विवेकानंद जी ने भी कहा है कि जीवन बड़ा नहीं होना चाहिए, जीवन छोटा जीवो दोस्तों, लेकिन उद्देश्य युक्त जीवो, उसमें हिंसा का नाम तो होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ प्रेम, मानवता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण यदि आप में है तो आप दोस्तों 40 साल में भी वो काम कर सकते हो जो एक आदमी 100 साल में नहीं कर सकता। यह है दोस्तों आपका आई, इनकम, इनकम से क्या हो गया संपत्ति, और संपत्ति कौन सी है यह जरूर ध्यान रखिएगा कि यहां सार्वजनिक संपत्ति या राष्ट्रीय संपत्ति का उल्लेख है, और सार्वजनिक संपत्ति की क्या करें, रक्षा करें, और हिंसा से प्रत्येक नागरिक क्या रहे, दूर रहे। क्लियर? इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट आपका दसवां मूल कर्तव्य है जे। जे का मतलब है जॉइंट एक्शन, और जॉइंट एक्शन का मतलब है दोस्तों, जॉइंट का मतलब क्या है, सामूहिक, और एक्शन का मतलब क्या है, गतिविधि। यानी इस मूल कर्तव्य में सामूहिक गतिविधि की बात कर रहा है संविधान। यह कहता है कि सामूहिक गतिविधि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, इतना याद रखें आप कि सामूहिक गतिविधि को क्या दिया जाना चाहिए, बढ़ावा दिया जाना चाहिए। किस प्रकार से दोस्तों, सामूहिक गतिविधि का मतलब है, जैसे दो शब्द है, एक आई और एक वी, जहां पे दोस्तों आई की भावना होती है मैं, अहम की भावना होती है, वहां दोस्तों विकास नहीं है, वहां सिर्फ विनाश है। और जहां वी का मतलब है हम, वी आर द बेस्ट, एक शब्द तो ये है, और एक आई एम द बेस्ट। तो जहां हम की भावना होती है, वी की भावना होती है, वो राष्ट्र हमेशा विकासवाद की ओर जाता है, वो परिवार हमेशा विकास की ओर जाता है। आजकल परिवारों में क्या है, सिर्फ आई की भावना आ रही है, और आई यानी मैं की भावना आ रही है, परिवार देख लो आप खंडित होते जा रहे हैं। पहले वाले परिवार देखो, दादा परदादा एक एक दो दो पीढ़ियां निकाल जाते थे एक साथ रह करके, लेकिन वर्तमान में आई की भावना होने के कारण यह विखंडन वाली मात्रा ज्यादा मिल रही है। तो दोस्तों यदि आपको विकास करना है तो विकास राष्ट्र का भी और खुद का भी, समाज का भी और परिवार का भी, तभी विकास हो सकता है जब हम की भावना होगी। हम का मतलब है जब सामूहिक गतिविधियों को हम बढ़ावा देंगे,
ये कह रहा है दोस्तों जे, सिर्फ इतना याद रखना है जॉइंट एक्शन कि इसे मूल कर्तव्य में सामूहिक गतिविधियों का उल्लेख हुआ है। और लास्ट मूल कर्तव्य है दोस्तों 11वां मूल कर्तव्य जो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और के का मतलब है दोस्तों काका पढ़ाएगा, सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है लेकिन याद ऐसे ही करना है आपको, काका पढ़ाएगा। काका पढ़ाने का मतलब है शिक्षा। और ये मैं पीछे भी बात कर चुका हूं कि 11वां मूल कर्तव्य है वो किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि वो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिलवाए। यह है दोस्तों 11 मूल कर्तव्य आपका, और आपको इसी पैटर्न में याद करना है दोस्तों। क्वेश्चन का पैटर्न मैं आपको 2 क्वेश्चन बताए हैं, सीधे नहीं बताए वो क्वेश्चन, वो एनालिटिकल क्वेश्चन थे। क्वेश्चन ऐसे ही होंगे मूल कर्तव्यों से, सीधा क्वेश्चन होगा अपन राइट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसको अपन स्लाइड के माध्यम से और सही ढंग से एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ चीजें और जुड़ी हैं वो अभी आप देखेंगे। ये हैं दोस्तों आपके मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब मैं इसके बाद इससे बता देता हूं मैं आपको एक एक पॉइंट। पहला मूल कर्तव्य क्या था, ए। ए का मतलब है एंथम, और एंथम का मतलब क्या बताया था मैंने, राष्ट्रगान। क्या बताया था दोस्तों, राष्ट्रगान बताया था। इसका मतलब संविधान का पालन करें, राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज का क्या करें, सम्मान करें। देख लो, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। आगे 3 बातें, मेन बात क्या है, संविधान का पालन करें, राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करे या आदर करे। दूसरा बी, बी का मतलब क्या बताया था मैंने, भगत सिंह। भगत सिंह का मतलब स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी का मतलब स्वतंत्रता के बारे में बातचीत हो रही थी, तो यह देख लीजिएगा, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च विचारों को, आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। यही है दोस्तों, देख लो इधर। सी, सी का मैंने बताया था कन्फर्म सार्जेंट्री, कन्फर्म सार्जेंट्री, जिसका मतलब था निश्चित संप्रभुता। और मैंने बताया था कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखें। देख लीजिएगा, भारत की संप्रभुता का मतलब संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें या उसकी रक्षा करें। 3 बात याद रखेंगे। चौथा था मैंने बताया था आपको डी, डी का मतलब डिफेंस, डिफेंस का मतलब रक्षा करना, किसकी रक्षा करना, देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना। देखिएगा, देश की रक्षा करें, काट दियोगी यहां, कट गया दोस्तों, एवं राष्ट्र की सेवा करें। इसके बाद में ई, ई का मतलब है इक्वल ब्रदरहुड, और इक्वल ब्रदरहुड का मतलब है समान भाईचारे की भावना, समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, प्रदेश, वर्ग और भाषा की भावना से दूर होना चाहिए। देखिएगा, सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का क्या करें, निर्माण करें। आ गया, जो आधार बताए थे मैंने 4 आधार, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे ये हो रहा है दोस्तों, धर्म, प्रदेश, वर्ग, भाषा की भावना से क्या रहे, दूर रहे। इसके बाद में 6वां था ABCDEF, एफ था, एफ का मतलब है फोर्ट, फोर्ट का मतलब क्या था, किला, किला का मतलब क्या था, संस्कृति, और संस्कृति का मतलब क्या था कि भारत की जो सामाजिक संस्कृति है हमारे देश की, उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। इसके बाद में था
जी, और जी का मतलब था ग्रीन, ग्रीन का मतलब था हरा, हरा का मतलब है पर्यावरण, यानी यहाँ पे प्राकृतिक पर्यावरण है जिसमें वन्य जीव है, नदी है, झील है, और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। तो ये देख लो, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, उसका संवर्धन करें। इसके बाद में था ह्यूमन साइंटिफिक एच, मानवीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद एवं सुधार की भावना रखें। तो ये रहा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन, मानववाद, विकास की भावना का निर्माण करें। इसके बाद में था आई, आई का मतलब था इनकम, एंड इनकम का मतलब है संपत्ति, संपत्ति का मतलब मैंने बताया था सार्वजनिक संपत्ति / राष्ट्रीय संपत्ति। तो ये रहा दोस्तों सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। इसके बाद में था जे, जे का मतलब मैंने बताया था जॉइंट एक्शन, जॉइंट एक्शन का मतलब है सामूहिक गतिविधियां। देख लो दोस्तों, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा दे। कौन सी गतिविधियों को बढ़ावा दे? सामूहिक गतिविधियों को। और लास्ट था आपका के, के का मतलब है काका पढ़ाएगा 6 से 14 वर्ष शिक्षा वाला। ये हो गया दोस्तों आपके 11 मूल कर्तव्य। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है दोस्तों वो और भी इंपॉर्टेंट है। अब अपन बात करेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति एवं मूल कर्तव्य। और यहां पे दोस्तों ये देखना है क्योंकि यहां से आरएस में क्वेश्चन आ चुका है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के बारे में कि सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में गठित की गई थी। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी? उस समय कांग्रेस के एक तत्कालीन अध्यक्ष हुआ करते थे देवकांत बरुआ। याद रखिएगा दोस्तों कि देवकांत बरुआ के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति को गठित किया गया था, या उसकी सिफारिश ऊपर सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन हुआ था। सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के गठन की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो देवकांत बरुआ के द्वारा। देखिएगा, इस समिति के गठन कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष देवकांत बरुआ। दोस्तों ये पॉइंट जरूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आपका, किसने सिफारिश की थी? देवकांत बरुआ के द्वारा। और देवकांत बरुआ की सिफारिश ऊपर इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। क्लियर। दूसरा है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति का जो गठन हुआ था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कुल कितने सदस्य थे? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आरएस में पूछा गया था। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कुल 12 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे, जिसमें सभापति या इस समिति का अध्यक्ष था सरदार स्वर्ण सिंह, और इसका सचिव, यह याद रखना दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है, अध्यक्ष कौन था? सरदार स्वर्ण सिंह। सचिव कौन था? ए आर अंतुले। ये 12 के 12 सदस्य आपके याद होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन जो आरएस में पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा सदस्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति में शामिल नहीं था। और दोस्तों उसमें 3 ऑप्शन में तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य थे, और चौथा ऑप्शन था उसमें लिखा था हरिदेव जोशी, और उसमें नहीं था पूछा था, और राइट आंसर था हरिदेव जोशी वाला। और ये तभी कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन अपन जब इसके सदस्य याद होंगे। तो दोस्तों याद रखना, सभापति कौन? सरदार स्वर्ण सिंह। नंबर 2, इसका सचिव कौन था? ए आर अंतुले। तीसरा सदस्य है इसका एस एस रे। चौथा सदस्य था रजनी पटेल। इसके बाद में देख लो आराम से, सरदार स्वर्ण सिंह, दूसरा ए आर अंतुले जो इसका सचिव था, तीसरा एस एस रे, चौथा रजनी पटेल, फिर आपका पांचवा है, पांचवा एच आर गोखले, छठवां सैयद मोहम्मद, सातवां वी एन गोडगिल, आठवां सी एस स्टेफिन, नौवां डी पी सिंह, दसवां डी सी गोस्वामी, ग्यारहवां वी वी साठे,
और 12वां बीएन मुखर्जी। दोस्तों याद हुए एक नहीं हुए, दोबारा सुन लो। पहला सरदार स्वर्ण सिंह सभापति हो गए, सचिव एआर अंतुले, तीसरा एसएस रे, चौथा रजनी पटेल, पांचवां एचआर गोखले, छठवां वीवी से याद करो, कोई जरूरी नहीं क्रम से याद करो, वीएन गोडगिल और वीवी साठे, फिर स्टेफिन, फिर डीसी गोस्वामी और डीपी सिंह। इस प्रकार से ये कोई जरूरी नहीं कि आप क्रम याद करें इनका, कैसे भी याद करें, लेकिन 12 सदस्य याद होने चाहिए। और यहां से आरएस में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो ये संभावना बनती है रीट में भी कि शायद ऐसा क्वेश्चन आपके सामने हो। ये हो गया आपका 12 सदस्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति में। दोबारा देख लो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन 1976 में हुआ था। इस समिति में कुल 12 सदस्य थे। इस समिति का गठन किसकी सिफारिश पे हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देवकांत बरुआ। क्लियर दोस्तों? इसके बाद में मैं एक और पॉइंट की बात कर रहा हूं, जो हाल फिलहाल में इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, वो देखिएगा दोस्तों। और ये है मूल कर्तव्य और इससे संबंधित अन्य समितियां। एक समिति तो अपनी मूल कर्तव्य से हो गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, लेकिन दोस्तों यहां पर एक और समिति का नाम आ रहा है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्मा समिति 1999। सीधा ही क्वेश्चन आ जाए कि वर्मा समिति का संबंध है ए मूल अधिकार से, बी नीति निदेशक तत्वों से, सी राष्ट्रपति की योग्यता से, डी मूल कर्तव्यों से। तो वर्मा समिति का संबंध किससे है? मूल कर्तव्यों से। क्लियर दोस्तों? अब वर्मा समिति ने क्या कहा था? वर्मा समिति ने यह कहा था कि एनसीआरटी का जो कोर्स चल रहा है या एनसीआरटी है, इस एनसीआरटी को सिफारिश देते हुए कहा था कि एनसीआरटी में एक तो प्रस्तावना का पॉइंट जोड़ा जाइए और एक मूल कर्तव्य का पॉइंट जोड़ा जाना चाहिए। यह वर्मा समिति ने कहा था। और दोस्तों आपको दिखाई देता होगा या देखते होंगे आप कि एनसीआरटी की जो बुक है, और बुक में आपको प्रस्तावना भी लिखी हुई मिलती है ऊपर, और एक तरफ आपको मूल कर्तव्य भी लास्ट के पेज में लिखे हुए मिलते हैं। तो एनसीआरटी की पुस्तकों में जो प्रस्तावना शामिल की गई है और जो मूल कर्तव्यों वाला प्रावधान किया गया है, यह किस समिति की सिफारिश पे थी? वर्मा समिति की सिफारिश पे। क्लियर? पहला पॉइंट देख लो यहां पे कि समिति ने मूल कर्तव्यों के लिए निम्न सिफारिश दी थी। पहली, इस समिति ने कहा था कि एनसीआरटी में मूल कर्तव्य एवं प्रस्तावना को शामिल किया जाए, और हाल फिलहाल शामिल भी है। तो सीधा ही क्वेश्चन आ जाए कि एनसीआरटी की पुस्तकों में जो प्रस्तावना या मूल कर्तव्यों का उल्लेख हुआ है, यह सिफारिश किस समिति ने दी थी? वर्मा समिति ने। दूसरी सिफारिश दी यूजीसी के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए। यूजीसी के लिए कहा था कि आप मानव अधिकार एवं मूल कर्तव्य नाम के एक शिक्षा पहल का कार्यक्रम शुरू करें, जिससे कि लोगों में मानवता वाले गुण आए और वो मूल कर्तव्यों के बारे में जान सके। तो सीधा आ जाए कि यूजीसी, देखो नीचे देखना यहां पे, यूजीसी में मानव अधिकार एवं मूल कर्तव्यों की सिफारिश के नाम से एक कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए, एक प्रोग्राम होना चाहिए जहां पे मानव अधिकार और मूल कर्तव्य के नाम से वो शिक्षा पहल कार्यक्रम चलाया जाए। सीधा ही क्वेश्चन आ जाए कि यूजीसी में वर्तमान में मानव अधिकार एवं मूल कर्तव्य शिक्षा पहल कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, वो किस समिति की सिफारिश पे चलाया गया था? तो दोस्तों वर्मा समिति। दोबारा सुन लो, वर्मा समिति का संबंध किससे है? मूल कर्तव्यों से। सीधे दो फैक्ट याद करने, डायरेक्ट याद करने, एनसीआरटी में प्रस्तावना और मूल कर्तव्य शामिल हुए, और दूसरा यूजीसी, और यूजीसी में
क्या जोड़ा गया, मानव अधिकार एवं मूल कर्तव्य शिक्षा पहल के नाम से कार्यक्रम चलाया गया। क्लियर दोस्तों? इसके बाद में लास्ट पॉइंट जो आता है दोस्तों वो और भी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय समीक्षा आयोग जिसका गठन हुआ था दोस्तों 2002 में। और राष्ट्रीय समीक्षा आयोग जो गठित हुआ था 2002 में, इस आयोग ने दोस्तों 51 कैमे जो 11 मूल कर्तव्य हैं वर्तमान में, इसमें दो और मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 11 की जगह आप कितने मूल कर्तव्य कर दे, 13 मूल कर्तव्य। और वो दो मूल कर्तव्यों की सिफारिश कौन कौन सी थी देखिएगा दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रीय समीक्षा आयोग 2002 और राष्ट्रीय समीक्षा आयोग 2002 में जो गठित हुआ था, इस आयोग ने क्या कहा, इस आयोग ने कहा कि अनुच्छेद 51 क जिसमें मूल कर्तव्य का प्रावधान है, इसमें दो और मूल कर्तव्य जोड़ने की क्या की थी, सिफारिश की थी। सीधा ही पूछ लिया जाए कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों में दो और मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, राष्ट्रीय समीक्षा आयोग 2002 के द्वारा। ठीक, अब वो दो मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं? भाई 11 मूल कर्तव्य तो मैंने बता दिया जो एट प्रेजेंट हैं, इसलिए सिफारिश की थी लेकिन सरकार ने अभी तक जोड़े नहीं है। किस किस की सिफारिश की थी? पहला मूल कर्तव्य है कि बच्चों की शिक्षा उनके शारीरिक एवं नैतिक कल्याण के मामलों में जिम्मेदार पालक, पेरेंट हुड की भावना और पारिवारिक मूल्यों की भावना को बढ़ावा देना। पूरा बड़ा याद नहीं रखना है, सीधा ही क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रीय समीक्षा आयोग जो 2002 में गठित हुआ था उसने कौन कौन से मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी, तो सीधा याद रखना है कि एक तो बच्चों में नैतिकता, पेरेंटहुड की भावना, जिम्मेदारी की भावना, जिम्मेदार पालक की भावना का निर्माण करें, और पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा होनी चाहिए उनके लिए, क्योंकि वर्तमान में जो पारिवारिक मूल्यों का जो हनन हो रहा है वो देश की संस्कृति के लिए बड़ा हानिकारक है दोस्तों। कई बार देखते हैं पति ने पत्नी की हत्या की, बच्चों की हत्या हो गई, यानी पारिवारिक मूल्य गायब हो रहे हैं। तो ये कहा समीक्षा आयोग ने, पहली कौन सी, पहला मूल कर्तव्य जोड़ने के लिए कौन सा कहा, सीधा याद रखना है बच्चों में ये पेरेंटहुड वाली भावना और पारिवारिक मूल्यों की भावना होनी चाहिए। और दूसरा, दूसरा यह कहा इसने, दूसरी सिफारिश कि जो कर्मचारी जिस औद्योगिक संगठन में कार्य कर रहे हैं, किसी कंपनी में कोई कर्मचारी कार्य कर रहा है, तो उस कर्मचारी के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा दिलवाने का कार्य भी उस कंपनी का ही होगा। यानी वो जो उद्योग है वो अपने कर्मचारियों की, बच्चों की शिक्षा की देखभाल भी करेगा, शिक्षा का खर्चा भी उठाएगा। क्या लिखा है देखो, अपने कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए औद्योगिक संगठनों का कर्तव्य, कि जो भी इंडस्ट्री है उसमें जो कर्मचारी कार्य कर रहा है उसके जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का टोटल देखभाल खर्चा वो कंपनी उठाए दोस्तों। ये कहा राष्ट्रीय समीक्षा आयोग ने दोस्तों। वर्मा समिति भी इंपॉर्टेंट है और राष्ट्रीय समीक्षा आयोग भी इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ मत कर देना दोस्तों। किसी भी टाइप की एग्जाम दे लेना आपको, यदि मूल कर्तव्यों से कोई क्वेश्चन आया और यदि आपने मैंने बताया उस हिसाब से पढ़ा, तो दोस्तों कभी लाइफ टाइम क्वेश्चन गलत नहीं करोगे आप। तो यह था अपना पॉइंट मूल कर्तव्यों का। ओके, राम राम जी।